दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब तक फिर शुरू हुआ रंगदारी मांगने का खेल। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के साथी नीरज फरीदपुरिया तो पंजाब में गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा का खौफ। एक ने मांगी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी तो दूसरे गैंगस्टर ने मांगे 30 लाख। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। हरियाणा के हिसार में पहले ही करा चुका है बड़ी वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दिल्ली हो या हरियाणा या फिर राजस्थान और पंजाब, गैंग गैंगस्टर गैंगवॉर और रंगदारी का खेल खत्म नहीं हो रहा है। पुलिस लाख कोशिशें कर ले, लेकिन गैंगस्टर रंगदारी मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने हिसार के एक कार शोरूम में रंगदारी की खातिर फायरिंग करवाई और इस मामले में 3 गैंगस्टरों का नाम सामने आया। उसके बाद व्यापारियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला था, लेकिन लगता है इन गैंगस्टरों को किसी बात का डर नहीं होता। तभी तो एक के बाद एक लगातार रंगदारी की खबरें सामने आ रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 कुख्यात गैंगस्टरों के अपराध के बारे में बताऊंगा। एक है पंजाब का तो दूसरा दिल्ली एनसीआर का। सबसे पहले पंजाब की बात बताता हूँ। दरअसल पंजाब में आतंकी और गैंगस्टरों की तरफ से लोगों से रंगदारी मांगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर लोगों को बेधड़क फोन कॉल कर उन्हें धमकी देकर रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी का नया मामला पंजाब के अमृतसर से सामने आया है। यहाँ पर एक बैंक अधिकारी से रंगदारी मांगी गई है। अमृतसर में एक बैंक अधिकारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई है। बैंक अधिकारी से विदेश में बैठे आतंकी गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के नाम से रुपयों की मांग की गई है। बैंक अधिकारी जसबीर सिंह ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है। थाना इस्लामाबाद पुलिस मामले में जुटी हुई है। पीड़ित बैंक अधिकारी ने बताया कि वो गुरु हरहाय एवेन्यू के सामने खालसा कॉलेज अमृतसर में रहते हैं। वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तरन तारण में मैनेजर और रिकवरी ऑफिसर है। पुलिस को दी शिकायत में बैंक के अधिकारी जसबीर सिंह ने बताया कि 18 जुलाई को उसके मोबाइल फोन पर इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पर 7 बार कॉल आई। पहले तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उठाया तो कॉल करने वाले ने कहा कि मैं गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा हरी के बोल रहा हूँ। उनसे कहा गया कि 30 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुझे मार दूंगा। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। दूसरी वारदात सुनिए जो हरियाणा के फरीदाबाद की है, जिसमें गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले एक कारोबारी से गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पीड़ित कारोबारी 2 दिनों तक डर के मारे शांत बैठा रहा। इसके बाद उसने अपने वकील और भतीजे से इसकी चर्चा की। भतीजे के कहने पर कारोबारी ने केस दर्ज करवाया। आपको बता दें कि गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के नाम पर 5 दिन पहले हरियाणा के पलवल में भी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद के रहने वाले संजीव ने शिकायत में कहा कि 26 जुलाई की शाम उनके पास एक फोन आता है। फोन करने वाले ने कहा कि संजीव मुझे पहचाना नहीं, उसने कहा कि बहुत पैसा कमा रहा है तू। पूछने पर उसने अपना नाम नीरज फरीदपुरिया बताया। फोन पर उस आदमी ने कहा कि अगर सही सलामत रहना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर ले, नहीं तो राम नाम सत्य कर दूंगा और मैं दोबारा 2-3 तारीख को फोन करूंगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि केस दर्ज करके रंगदारी मांगने वाले बदमाश की तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान या फिर आसपास के इलाकों में गैंगस्टर रंगदारी लगातार मांग रहे हैं और व्यापारियों का जीना मुहाल हो रखा है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आता है। टीम बीडीएफ न्यूज़।